अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आर चैनल इंडियन ब्लॉगर फॉर एंड फूड कॉर्नर। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अखनी पुलाव की रेसिपी। अखनी पुलाव बनाने के लिए हम सबसे पहले उसकी अखनी तैयार कर लेंगे। उसके लिए ले लेंगे अक्के गरम मसाले, सौंफ और धनिया पाउडर। अभी कुकर में ले लेंगे चिकन और उसमें डाल लेंगे दो कांदा और अक्के गरम मसाले और अपने सौंफ और धनिया का पाउडर और इसमें डाल लेंगे पानी। अभी हम इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तब तक हम चावल धो देंगे जब तक अखनी में सीटी आ रही है। इसमें हम 4 से 5 सीटी आने देंगे। ये तैनूर बेबी के साथ खेल रही है और अलजैन। जब तक अखनी रेडी हो रही है तब तक हम अपने पुलाव की तैयारी कर लेंगे। ये मैंने लंबा प्याज काट के रखी हूँ और टमाटर और हरी मिर्ची और ये सारे रखे गरम मसाले। अभी हम ले लेंगे एक टोप में तेल, इसमें हम डाल लेंगे अपने सारे अच्छे गरम मसाले। अभी हम इसमें डाल लेंगे अपना लंबा कटा हुआ प्याज, इसे अच्छे से चला लेंगे। फिर इसमें डाल लेंगे टमाटर और हरी मिर्ची, इसे अच्छे से पका लेंगे। और फिर इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट 4 चम्मच और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसमें अपनी चिकन को ऐड कर लेंगे। इसे एक बार मिक्स कर लेंगे। इसमें डाल लेंगे नमक और डाल लेंगे दही। और फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल लेंगे बिरयानी मसाला और फिर से एक बार इसे चला लेंगे। मिक्स करके होने के बाद इसमें हम पानी डाल लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जितने चावल है उतना ही पानी डालना है। अगर आपने चावल भिगाए हुए होंगे तो चावल को पहले से ही भिगा के रखना है अच्छे से वॉश करके। मैंने पानी डाल ली थी, अब मैं इसमें अपने राइस ऐड कर लूँगी। अभी इसे ढक्कन रख कर पकने छोड़ देंगे और इसमें कलरिंग कर देंगे। ये पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। इसे मैंने बघार दी थी ऊपर से और इसमें कलर डाल ली थी। मैंने येलो और ग्रीन कलर डाली हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर डाल सकते हैं। यह है पुलाव का फाइनल लुक, येलो रेड और ग्रीन कलर डाले थे मैंने। अभी हम सब बैठ जाएंगे खाना खाने। आज हमारे घर हमारी खाला की दावत थी। आपको अगर हमारी रेसिपी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।